वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्त हुआ न्यू है, माई नेम इज शांभवी एंड इट्स बीन सो लॉन्ग। मैंने कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल शूट नहीं किया, फिर काइंड ऑफ अ लॉन्ग वीडियो शूट नहीं किया। दिस टॉपिक इज सो ऑन ट्रेंड कि हर कोई इन्फ्लुएंसर्स को रेट कर रहा है, सेलिब्रिटीज को रेट कर रहा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी से मिले हों। सो वॉट आई एम गोइंग टू डू कि मेरी जिनसे बात हुई है जो कि मेरे स्टूडेंस नहीं हुआ है एंड जो कि मेरे फ्रेंड है, सो आई एम गोइंग टू रेट देम। या एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू डू अ मेकअप चैलेंज विच इज़ वन डिप मेकअप चैलेंज। येस, तो इन दोनों को मैं मिक्स करके कर रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए एंड आप लोग बोर भी ना हो। ओके, सो हेयर इज द लिस्ट ऑफ दैट इन्फ्लुएंसर्स जिनको मैं रेट करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। और सो स्टार्टेड विद जिससे मेरी बिल्कुल ही बात नहीं हुई है, मतलब कि जिससे मेरी जस्ट बिल्कुल हेलो हाय एक बार हुआ है। सो इफ मेरे पास स्क्रीन शॉट्स होंगे देन मैं यहाँ पे वो लगा दूंगी। वो फर्स्ट इज प्रगति वर्मा एंड तो मैंने ना उनका इंस्टाग्राम पिक्चर्स को रिक्रिएट किया था। सो मैंने उनको सिंपल सा स्टोरी में टैग किया था कि ओके सो फॉर प्राइमर आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्लू हेवन का प्राइमर। सो मैंने उनको जस्ट स्टोरी में टैग किया था कि आई रिक्रिएटेड इंस्टाग्राम पिक्चर्स ऑफ प्रगति वर्मा। सो उन्होंने आई थिंक नहीं स्टोरी में नहीं डाला था, उन्होंने स्टोरी तो नहीं डाली थी मेरी, उस पर क्या कहते हैं मेंशन नहीं की थी स्टोरी में, बट शी रिप्लाइड आई हाय। सो आई फील सो गुड कि हाँ रिप्लाई दिया, दिस इज ऑन दिस लेवल फॉर मी। ओके सो शी रिप्लाइड, सो आई एम गोना रेट 7/10। या ओके, फॉर फाउंडेशन आई एम गोइंग टू यूज दिस मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन। सेकेंड वन इज गोपाली एंड आई नो ऑल, मैंने एक पंप लिया हुआ है सो बेस्ट। नो आप में से आई नो यू ऑल नो हर, हु इज शी? आई शी इज वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर, वन ऑफ माय फेवरेट। ओके तो क्या हुआ, मम्मा लव्स हर, जो उनके जो नानी वाले ब्लॉग्स होते हैं, मम्मी वाले ब्लॉग्स होते हैं, भाई साहब बस मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी मम्मा देख रही थी तो आई थिंक जानवी ने अपना जो वो नानी का घर होता है, नानी का घर का ब्लॉग डाला था कि वो लोग वहाँ वहाँ गए थे, तो उन्होंने शायद नाम भी मैंशन किया था कि वो कहाँ गए। सो माई मम्मा फ्रॉम, मतलब माई मम्माज मायका, उनको मैसेज कर दिया कि माय मम्मा लव्स योर वीडियो एंड उनको ऐसे से आपके नानी वाले, और फिर वो भी वहीं से बिलोंग करती हैं जहाँ से आपकी मम्मा का जो मायका है वो है, एंड शी रिप्लाइड ओके आई एम गोना रेट हर 10/10 जस्ट बिकॉज आई लव हर नेचर, आई लव हर एवरीथिंग। सो या 10/10 ओके। So our foundation is done and it looks quite good, matlab one dip mein bhi kaafi acha hua hai. Okay so the third and main concealer use nahi karungi kyunki mere ko utna mera coverage mil gaya hai. Compact I am going to use this Maybelline Fit Me ka compact, so isko bhi mere ko ek baar mein lena hai, kaise pura acha karna. The third influencer is daughter गोपाली की ही सिस्टर जानवी, आई एम रिक्रिएटिंग हर मेकअप लुक। सो मैंने ना उनका मेकअप लुक रिक्रिएट किया था, सो आई मेंशन हर इन माय स्टोरी। तो मेरे भाई ने भी मेंशन किया था, मतलब बेसिकली मेरे भाई का अकाउंट मैं ही चला रही थी तो वो मैंने ही मेंशन किया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो मेरी स्टोरी पता नहीं क्या, मेरी स्टोरी तो उन्होंने नहीं देखी, बट हाँ मेरे भाई का जो अकाउंट था उससे उन्होंने स्टोरी देख ली। सो शी, मतलब उन्होंने मेंशन बैक किया, मैं जाके मेरे को मेंशन बैक किया। सो आई वाज लाइक वाओ, आई मीन वाओ, सो रेट हर 10/10 यस ओके ओके। सो द फोर्थ इन्फ्लुएंसर इज प्रिया छेत्री एंड शी इज सो स्वीट जस्ट बिकॉज आई मीन मैंने उनको मैसेज किया एंड शी रिप्लाइड 5 मिनट में ही, आई लाइक ओके वाओ शी रिप्लाइड आया। सो शी इज सो स्वीट, सो काइंड। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने थोड़ी बहुत बात भी की
क्योंकि उस टाइम पे मैंने जस्ट यूट्यूब स्टार्ट किया था एंड अभी भी मेरा वही चल रहा है, कुछ मेरा खास ग्रो नहीं हुआ है। एंड उनके चैनल पे कोई वीडियो वायरल हुई थी, सो मैंने कोई टिप्स ट्रिक्स हो गया मेरा भी कैसे चैनल चलेगी वो। शी वॉज लाइक टैक्स पर फोकस करो एंड ये वो एंड शी मतलब जो बात उन्होंने मेरे से की ना बहुत ज़्यादा एकदम नहीं, आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ यार आपने किसी यूट्यूबर को इन्फ्लुएंस को समझ के लाइक वियर्ड सा है एटीट्यूड वाला रिएक्शन दिया हो? नो। सो आई एम गोना रेट हर अगेन 9/10। या भूल जाती हूँ कि मैं कोई मेकअप चैलेंज भी शूट कर रही हूँ सबके साथ, सो फॉर आई मेकअप मैं बहुत सिंपल सटल सा करूँगी। आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड, बस एक ब्रश ले लिया एंड दैट्स इट। ओके सो नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर इज अंशिका सोनी। आई नो बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि हाल फिलहाल में उनका चैनल भी हैक हो गया था, इफ़ यू नो। तो मैंने ना उनकी स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी, सो विद इन 3-4 hours शी रिप्लाइड एंड या आई वाज लाइक ओके रिप्लाई किया। मतलब आई डोंट थिंक आपका ओपिनियन क्या है क्या नहीं है, बट मेरा ओपिनियन तो बस ये है कि इफ़ कोई इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर ऐसा रिप्लाई कर देता है सो इट्स मेन अलॉट फॉर मी टू टेक दिस शेड एंड जस्ट टेक ब्रश लूंगी एंड दैट्स इट। ओके सो मैंने उनको और भी स्टोरीज में मैंशन किया था एंड आई मैसेज एंड शी रिप्लाइड सो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से। सो आई वॉज लाइक ओके सो शी इज सो स्वीट, सो आई एम गोइंग टू रेट हर 9/10। ओके सो नेक्स्ट यूट्यूबर इज इन्फ्लुएंसर इज चिल बी। सो इफ़ यू नो रिसेंटली में उनका चैनल भी हैक हो गया था, सो आई थिंक परसों उनका चैनल हैक हुआ था, कल मेरी उनसे बात हुई थी एंड टुडे शूटिंग दिस वीडियो एंड एक ही दिन में बात हुई, एक दिन में मैं किसी को जज नहीं कर सकती, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रेट हर। ओके सो ब्रो ब्लश एंड कॉन्टोरिंग आई एम गोइंग टू यूज दिस पैलेट एंड दिस ड्यूब इज नॉट ओरिजिनल। सो यहाँ एक ब्रश लिया है जस्ट कॉन्टोर माई फेस। ओके सो ऐसा नहीं मतलब मैंने उनको कोई स्टोरी में उनका मतलब मेंशन नहीं किया था, जिस बिकॉज मुझे जब तक पता चला कि उनका चैनल हैक्ड हो चुका है तब तक उनका चैनल रिकवर हो गया था विद इन अ 1 or 2 days। आई थिंक एक ही दिन में उनका चैनल रिकवर हो चुका था। सो उन्होंने ना स्टोरी डाली थी, तो बिंग वेरी ऑनेस्ट मैंने स्टोरी पूरी नहीं देखी थी, पूरी मैंने स्टोरी नहीं देखी थी। शी इज सो हैप्पी, सो आई थॉट हाँ भाई चैनल वापस आ गया है इसलिए वो हैप्पी है। सो आई जस्ट मैसेज हर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विद इन 10 or 20 minutes शी रिप्लाइड थैंक यू। एंड ब्लश के लिए मैं ये वाला शेड यूज़ करने वाली हूँ, जस्ट मैंने 1 brush लिया एंड दैट्स इट। सो शी रिप्लाइड थैंक यू, सो आई लाइक ओके वाओ गुड। मेरा ना सबके साथ ना ये रिएक्शन था ओह माय गॉड ओके वाओ दैट यू रिप्लाइड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड लव योर कॉन्टेंट। उनका रिप्लाई जस्ट रिप्लाई बैक आता है ओह थैंक यू, मतलब ओह माय गॉड शी इज सो स्वीट। सो आई टू रेट हर 8/10 जस्ट बिकॉज मेरा जस्ट एक ही बार ऐसा कुछ बात सही हुई है। इन्फ्लुएंसर इज अकांक्षा सोनी, सो शी इज ऑल्सो माई फेवरेट वॉचिंग हर वीडियोज एंड ऑल। सो आई मैसेज हर ऑन इंस्टाग्राम जिस टाइम उनकी वीडियोज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो उनके ना कुछ 9-7 के सब्सक्राइबर कुछ थे। सो आई मैसेज हर हाई कैन वी डू कोलाब्रेशन, सो शी वॉज लाइक या श्योर कैन वी एक्सचेंज अवर नंबर। हम जो उन्होंने अपना मेरे को नंबर दिया लाइक ओके शी रिप्लाई, उन्होंने मेरे को आधे घंटे के अंदर रिप्लाई कर दिया था। सो ऑफकोर्स आई फील सो गुड। आफ्टर दैट हमारी फिर कुछ बात ऐसे ओके सो फॉर हाईलाइटर आई एम गोइंग टू यूज दिस शेड, मैं जस्ट 1 brush लूँगी एंड दैट्स इट। उसके बाद हमारी इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी बहुत बात हुई एंड देन मेरी उनसे फिर व्हाट्सअप पे बात हुई एंड देन फिर मेरी एक बार हाँ मे बी शायद एक दो बार मेरी उनसे कॉल पे बात हुई एंड शी इज़ वाओ एंड यू रियली शी इज़ वाओ जस्ट बिकॉज क्योंकि फिलहाल में उनके 48K के कुछ समथिंग है एंड कभी ऐसा फील नहीं होता है कि शी हैव 40K एंड आई हैव नथिंग। जिस हिसाब से मुझसे बात करती लाइक कभी भी मैं डाउन हो जाती हूँ मैं सोचती हूँ यार मैं छोड़ दूँ ऐसा नहीं हो रहा, शी लाइक नहीं कर यार धीरे धीरे होगा लेट होगा पर अच्छा होगा कर। शी इज सो आई एम गोना रेट हर 10/10 जिस हिसाब से मैंने उनकी तारीफ कर ली, सो यू नो ना मैं कितना ज़्यादा वाला हो करने वाली हूँ। सो आई एम गोना रेट हर 10/10 सो ओवर हाईलाइटर इज 10 एंड फॉर मस्कारा आई एम गोइंग टू यूज हाइपर कर्ल मस्कारा। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन यूट्यूबर इज
वन ब्रश लिया है एंड मैंने इतना ना शी 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 मतलब इतना ज़्यादा ना क्या कहते हैं, मैंने इतना ज़्यादा फीमेल यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स को रेट कर दिया है कि मैं उसको भी शी बोलना चाह रही थी। ओके सो द लास्ट वन इज रचित यादव, रचित रो चैनल से यहाँ पे भेजूंगी। सो ही इज वन ऑफ देम, जिससे मेरी बहुत जितने भी मैंने सबको रेट किया है उन सबसे ज़्यादा मेरी आकांक्षा दीदी जिसको बहुत मतलब पढ़ी है एंड रचित से, इन दोनों से मेरी ज़्यादा बात होती है रिलेटेड टू यूट्यूब एंड दैट्स इट, बिकॉज मोटिवेट ही करते हैं दोनों एंड रचित इज सो अमेजिंग। आई मीन सो मतलब ऐसा है नहीं ना बंदे के अंदर ना एटीट्यूड नहीं है कि मतलब हाँ भाई मेरे 3 मिलियन है तो कुछ भी नहीं है मेरे साथ, नो नथिंग। एंड सो रचित से मेरी कैसे बात स्टार्ट हुई थी, उसने मेरे इंस्टाग्राम पर फोटोज देखी थी एंड लाइक मैं अपनी स्टोरी में डालती हूँ, लिंक इन बायो जाके सब्सक्राइब कर लो, वह भी कोई सब्सक्राइब नहीं करता किसे सब्सक्राइब कर देना। सो ही इसमें मेरी ना 3-4 फोटोज़ लाइक की थी एंड आई पोस्टेड अ स्टोरी और मेरे ओ माय गॉड मेरे 4 मिलियन वाले बंदे ने मेरे को मेरी फोटोज लाइक करी हैं, तो मैंने मेंशन कर दिया उस फ्लो में, मेंशन किया एंड यू नो कि मेंशन किया हुआ फिर क्या होता है, ओके मेंशन जो करते उसका तो मैसेज भी जाता है नोटिफिकेशन के साथ साथ मैसेज भी जाता है मेंशन करने का, मैंने बस एक डिप लिया था इसका एंड ही इज सो काइंड हार्टेड, बस मेरे से उसने ये बोला करते रहना गिव अप मत करना एंड या दैट्स इट। ओके सो आई एम गोना रेट हिम 10/10 बिकॉज ही इज सो काइंड। ओके सो माय मेकअप इज आल्सो ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आई जस्ट होप कोई आपको ये मेकअप चैलेंज एंड ये रेटिंग वाला सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो एंड आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है, मतलब मैंने वन डे में काफ़ी अच्छा सा लुक क्रिएट कर लिया है एंड इन केस अगर आप में से कोई भी जिसको मैंने रेट किया प्लीज़ कोई भी देख रहा हो दैन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या सो वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन मेरी जो जो वीडियो देखता है सीरियसली एंड थैंक यू सो मच, बाय।